आसमान में उड़ते हुए पंछी और खूबसूरत सा अहिल्या जी का किला। यहाँ पर बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का, ये देखिए, क्योंकि अहिल्या जी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। और अभी मैं आपको लेकर आई हूँ नर्मदा घाट पर, ये देखिए नर्मदा घाट है। यहाँ से किला बहुत शानदार दिखता है, जब अपन वोटिंग करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा वहाँ से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वीडियो बनाया था जो भी इंस्टाग्राम पर डाला है, तो ये देखिए ये वीडियो बनाया था मैंने जो भी इंस्टाग्राम पे डाला है। जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही बन पाया क्योंकि वहाँ पर धूप आ जाती है फिर बाद में तो भयंकर, तो सुबह सुबह जाना पड़ता है। ये हम लोग वोटिंग कर रहे थे, वोटिंग करते टाइम एक अजीब चीज दिखी मुझे, वो ये है, देख लो आप, ये बहनें हैं दोनों बैठी, ये नज़ारा देख लो पहले तो बहुत शानदार है। और उसके बाद ये दोनों बहनें बैठी हैं, साइलेंट बैठी है, इनको किसी बात का दुख है, शायद इनको जबरदस्ती बिठा दिया गया है नाव में, इनको मन नहीं था। उसके बाद ये इधर देखिए, इधर मस्ती कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये अभी भी शेड ही बैठे हुए हैं, इनको अच्छा लगा शेड बैठना, शायद ये शेड बैठने के लिए आए थे। अब ये फिर मैं शुरू हो गई मेरी सेल्फी लेने, वीडियो बनाना, किला दिख रहा था तो मैंने किले का वीडियो बनाया, फिर मुझे ये दीदी दिख गए, मैंने सोचा एक बार और इनको कैप्चर कर लूँ मेरे वीडियो में। इनकी जो खुशी है पता नहीं किसने छीन ली है, किसने इतना दुख दे दिया है इनको। देखिए किला यहाँ से दिख रहा है शानदार, अब पीछे की साइड से पूरा किला इतना क्लियर दिखेगा आपको, क्योंकि किला ऐसे नहीं दिखता, अंदर से इतना नहीं दिखता, जब आप बाहर से देखते हो ना तभी आपको किला दिखता है। किला देखने के लिए किले के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, उसको दूर से वोटिंग करते टाइम देखोगे तो शानदार दिखता है। ये देखो मैं इतरा रही थी थोड़ी देर के लिए, अभी देखिएगा, ये देखिए भाई साहब बड़े खुश हो गए ये। मैडम के साथ बड़े खुश हो गए। ये किला देखिए आप पीछे से कितना शानदार लग रहा है, लग रहा है ना? आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।